हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका लिवर जो है टॉक्सिक हो गया है तो आपको क्या सिम्टम्स मिलते हैं और आप उसे कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेनली आज हमारा वीडियो होने वाला है हाउ टू डिटॉक्स योर लिवर और आपको क्या साइन मिलते हैं, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से लेकर आप अपना लिवर डिटॉक्स कर सकते हैं। शुरू करने से पहले ही मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले मेरे वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, लीवर के मेनली तीन फंक्शंस, दोस्तों सबसे पहला है डिटॉक्सिफाई केमिकल्स, सेकंड है प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स, थर्ड है कि वो हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। यदि आपका लीवर टॉक्सिक हो गया है तो आपको क्या सिम्टम्स मिलते हैं। यदि आपका जो लीवर है वो कंजेस्टेड हो गया है तो आप मॉर्निंग में और आफ्टर लंच आप स्लगिश और इरिटेबल फील करते हैं। और कुछ साइंस दिखते हैं जो कि मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, क्या क्या होते हैं कि आपको पता चले कि अब आपको लीवर डिटॉक्स करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहला है आपका पुअर स्लीप हो सकती है, मेमोरी और कंसंट्रेशन लो हो सकते हैं। सेकेंडली, आप एनर्जी फील नहीं करेंगे, हमेशा थका थका सा फील होगा। और आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएँ आ सकती हैं, ब्लोटिंग और गैस हो सकती है, वहीं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी आप फील कर सकते हैं। और आपको एक्ने हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एडल्ट एक्ने, और एक्जिमा भी हो सकता है, इम्यूनिटी आपकी लो फील होने लगे। तो ये सब साइंस हैं जिससे आप लीवर बताना चाहता है कि मुझे अब डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। वहीं जब आपका लीवर फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उस समय आप हाई एनर्जी फील करते हैं और हमेशा रिलैक्स मूड में रहते हैं। ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो कि आपकी लीवर में सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है? सबसे पहला है शुगर और प्रोसेस्ड फूड और साथ में अल्कोहल। ये तीनों ही चीज़ें आपके लीवर को टॉक्सिक बनाती हैं। और सेकंड चीज़, ड्रग्स एंड हार्मोन हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि पेन किलर्स हम अगर लेते हैं या कोई बीमारी हमें तो उसकी वजह से हम कोई मेडिसिंस ले रहे हैं, ओसीपी जैसे महिलाएं लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसमें हार्मोन्स होते हैं, और भी कई तरीके की मेडिसिंस, एंटीबायोटिक्स हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाए, टॉन्सिलाइटिस वगैरह, तो ये सब चीज़ें उसको ठीक करने के साथ साथ जो हमारा पर्पस है उसे फुलफ़िल करने के साथ लीवर को भी अफेक्ट करती हैं। जानते हैं क्या हेल्दी टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमारा लीवर टॉक्सिक हो ही ना। सबसे पहले, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। सेकेंडली, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करें। थर्ड, अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स को, वो चाहे फूड में हो या फिर आप मेडिसिंस ले रहे हो, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। नेक्स्ट है सेल्फ केयर के लिए आप टाइम निकालें। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन जो आ रही है वो है जो कि हार्मोनल टॉक्सिसिटी को निपटने के लिए बनी है, वो है सीपीआर। आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, 4 ड्रॉप्स ऑन टंग एट द इंटरवल ऑफ 1 वीक। आप 2 बार इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर हार्मोनल टॉक्सिसिटी से फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपको वाइड रेंज ऑफ मेडिसिंस की वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हुई है, उसके लिए है मेडिसिन नक्सवामिका। इसको आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, 4 ड्रॉप्स ऑन टंग एट द इंटरवल ऑफ 1 वीक। अगर आज संडे को ली है तो अगले संडे को ही आपको इसे यूज़ करना है, और ऐसा 2 डोज ही लेंगे तो ही आपका टॉक्सिसिटी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा और आप लाइट फील करने लगेंगे। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे मदर टिंचर्स हैं जो कि और यूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे आप, अगर आपको ऐसा फील होता है तो। पहला मदर टिंचर है चिलिडोनियम मेजर। इसकी आप मदर टिंचर फॉर्म में 5 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में ले सकते हैं, ये भी लीवर को फिट करने में हेल्प करता है। कालमैग, दोस्तों इसकी भी 5 ड्रॉप्स अगर आप आधा कप पानी में लेते हैं तो ये भी लीवर को सपोर्ट करने में, क्लियर करने में और उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये 2 मदर टिंचर्स और वो 2 मेडिसन्स, जो भी आपको सहूलियत लगती है आप यूज़ कर सकते हैं। ये था लीवर डिटॉक्स करने का तरीका। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है और आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड्स और फैमिली में, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप मुझे चैनल पर पहली बार आए हैं तो,
और कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।